सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ भी T20 सीरीज जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में जल्द ही 15 सितंबर से 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बेहद ही जल्द साउथ अफ्रीकी टीम भी भारत पहुँचने वाली है, जिसकी पहले से ही घोषणा की जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार भारतीय टीम के साथ साथ दूसरी टीम यानी कि साउथ अफ्रीकी टीम में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। टीम की कप्तानी को अब संभालते हुए दिखेंगे डीकॉक व युवा खिलाड़ियों से भरपूर टीम भारतीय टीम के खिलाफ लड़ती हुई दिखेगी। अगर दोस्तों इस सीरीज की बात कर ली जाए तो पहला मुकाबला 15 सितंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा, जो कि शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इस मुकाबले को लेकर सभी में काफी ज्यादा रोमांच देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि T20 फॉर्मेट जो है और क्रिकेट काफी समय बाद अब इंडिया में होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय टीम के सभी फैंस अब इस T20 सीरीज का इंतजार और भी बेसब्री से करने लगे हैं। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि साउथ अफ्रीकी टीम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, तो वहीं भारतीय टीम में भी बड़े बल्लेबाजों की टीम में वापसी हुई है और ऐसे 5 बल्लेबाज भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकी टीम को इस सीरीज में पूरी तरीके से पछाड़ कर रख देंगे। दोस्तों, इन बल्लेबाजों की सूची में सबसे पहले तो नाम आता है टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा का। जब बात T20 फॉर्मेट की आती है और रोहित शर्मा का बल्ला अगर मैदान पर चलता है तो यकीनन भारतीय टीम का स्कोर 200 के पार ही चला जाता है। साथ ही इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट हमेशा 70 से ऊपर ही रहता है T20 फॉर्मेट में। तो हालांकि इस बार के IPL के सीजन में रोहित शर्मा उतना बेहतर तो प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन हाल ही में वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन जोरदार था। दोस्तों, दूसरे धुआंधार बल्लेबाज रहेंगे श्रेयस अय्यर। हमने हाल ही में देखा जब श्रेयस अय्यर को वनडे क्रिकेट में मौका दिया गया तो किस तरीके से उन्होंने 2 मुकाबलों में मैच विनिंग पारियां खेली। साथ ही श्रेयस अय्यर दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी भी संभालते हैं। यह वह खिलाड़ी है जो कि दिल्ली की टीम को पहली बार क्वार्टर फाइनल तक लेकर पहुंचा था। श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन T20 फॉर्मेट में वाकई लाजवाब है। तीसरे बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। दोस्तों, बात अगर T20 फॉर्मेट की करी जाए और ऋषभ पंत का नाम सामने न आए ऐसा कैसे हो सकता है। बात चाहे IPL की रही हो या फिर भारतीय टीम की, T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत के बल्ले से जो शॉट्स देखने को मिलते हैं वह शायद ही कोई और खिलाड़ी लगा पाता हो। और ऋषभ पंत का टीम में होना कहीं ना कहीं टीम की बल्लेबाजी को और ज्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों, चौथे बल्लेबाज हैं मनीष पांडे के रूप में। इस बात में कोई शक नहीं कि हाल ही में वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा था, लेकिन फिर भी विराट कोहली एंड कंपनी ने मनीष पांडे को एक और मौका देना जरूरी समझा और लगता है कि यह मौका इस बार सफल होगा, क्योंकि इंडिया ए की टीम की तरफ से फिलहाल मनीष पांडे अर्धशतकीय पारियां लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, मनीष पांडे काफी अच्छी फॉर्म में वापस से आ चुके हैं। ऐसे में इस खिलाड़ी का फॉर्म में वापस से लौटना टीम के बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत बना देगा। दोस्तों, पांचवे बल्लेबाज हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी करवाई गई है। वेस्ट इंडीज दौरे पर वह टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब वह टीम में वापस से आ चुके हैं। T20 फॉर्मेट तो इस खिलाड़ी का मन पसंदीदा रहा है और बात चाहे मुंबई इंडियंस की टीम की रही हो या फिर भारतीय टीम की, हर जगह T20 सीरीज में तो हार्दिक पांड्या ने अपना 100% दिया है। इनके आने से टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पहलू मजबूत हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको फटाफट से बताते हैं कि इन 5 हिटर बल्लेबाजों के साथ क्या हो सकती है भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11। टीम की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते देख सकते हैं शिखर धवन व रोहित शर्मा। इसी के साथ साथ टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत व ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। साथ ही टीम में एक स्पिनर गेंदबाज व ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर। तो वहीं तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी नवदीप सैनी, खलील अहमद और दीपक चहर के हाथों में। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस T20 सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर साउथ अफ्रीका? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।